हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम RRB ALP के जो रिजल्ट आया है उसमें छात्रों के मार्क्स पार्ट ए और पार्ट बी में 2 से 5 मार्क्स आपके कम हुए, किसी के 2 मार्क्स कम हुए, किसी के 3 मार्क्स, किसी के 4 और तो किसी के 5 मार्क्स कम हो गए। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में आपके बताएंगे जो आपके मार्क्स है वो कम क्यों हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट दी जाती है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपके मार्क्स में जो डिफरेंस है, जो आपके मार्क्स पहले थे, जो पहले जो आपका रिजल्ट जारी हुआ था 23 तारीख को, और उसमें अब आपके मार्क्स में डिफरेंस कैसे आ रहा है, या 1, 2, 3, 4, 5 नंबर का जो आपका मार्क्स का डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, रेलवे ने जो आपने ऑब्जेक्शन किया था अपनी मास्टर की के ऊपर, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन को गलत पाया और किसी को सही पाया। तो दोस्तों जिनका, तो ये रेलवे ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा है कि हमने ये रिजल्ट दोबारा जारी किया है, इसलिए जो क्वेश्चंस पिछली बार थे जिनमें से कुछ गलत थे या कुछ सही थे, तो उनको दोबारा काट के जो आपका ये रिजल्ट है ये नए सिरे से बनाया। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जो ये आपका रिजल्ट आया है ये फिर से आया है, दोबारा से रीचेक पेपर होने के बाद दोबारा मास्टर की को चेक किया गया है। जो आपके क्वेश्चंस गलत थे या जिस किसी ने भी ऑब्जेक्शन उठाया था क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस पे, तो दोस्तों ये उसके बाद दोबारा से आपका रिजल्ट आया है। तो आप अपने मास्टर की को फिर से चेक करें, अगर आपको फिर से किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप रेलवे को दोबारा से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो आपका आंसर की है इसीलिए जो आपके मार्क्स में जो डिफरेंस है वो आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगे तो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे सबसे पहले किसी भी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट दी जाती है, चाहे वो रिजल्ट से संबंधित हो, चाहे वो वैकेंसी से, या चाहे वो आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, या आपके रिजल्ट से रिलेटेड या कट ऑफ से रिलेटेड, तो आप हमारा वीडियो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि जो आपके आंसर की में जो मार्क्स पहले आए थे और इस वाले मार्क्स में अंतर क्यों है। 2 से 3 मार्क्स का जो अंतर है वो इसी वजह से आपके मार्क्स में देख सकते हो आप दोस्तों अपने। तो आप अपना आंसर की दोबारा से चेक करें, जो मास्टर की है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपके यहां पे लिखा होगा उसमें यस, तो आप पास है, अगर नो लिखा होगा तो जो कैंडिडेट्स है वो क्वालिफाई नहीं हुआ है CBT 3 के लिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।